हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फ़कीर चंद बाबा उर्फ नागवंशी, जम्मू कश्मीर से। दोस्तों, जय भीम, जय भारत, जय हिंद। जैसा कि मैं आज एक बात करूंगा, आज की जो इन्फॉर्मेशन है या मोटिवेशन समझ लीजिए, वो है करैक्टर के ऊपर। करैक्टर, चरित्र, हिंदी में इसको चरित्र कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय करैक्टर? चरित्र क्या है? चरित्र कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ी बात है। करैक्टर क्या है? जब आप करैक्टर को समझ जाएंगे कि भाई करैक्टर होता क्या है, तो भाई लाइफ का जीने का मजा आ जाता है। दोस्तों, करैक्टर को कौन बनाता है? इसका रचयिता कौन होता है? अगर यदि माने तो सबसे पहले करैक्टर बनाने वाले होते हैं माँ बाप। उसका खुद का अपना घर, जहां पे वो जन्म लेता है, वहां से करैक्टर बनना शुरू होता है। करैक्टर बनाना कैसे है, बनता कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसलिए तो मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेरी वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो पाए। मेरा और कोई मकसद नहीं है, यही मकसद है कि मेरे भारत देश के जितने भी अभी जो यंग स्टार हैं, लिटिल स्टार हैं, वो आगे जा करके बहुत बड़ा नाम कमाए दुनिया में। इसलिए मैं ऐसी मोटिवेशन डालता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ताकि आगे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। तो करैक्टर होता क्या है भाई? करैक्टर होता है आपका चरित्र। वो बनता है आपके घर से, शुरुआत होती है उसकी जब आप बर्थ जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद माँ बाप पालन पोषण करता है, उसी घर के जो संस्कार होते हैं बच्चा वो अडॉप्ट करता है, जिससे करैक्टर की शुरुआत होती है। दोस्तों, वहाँ से करैक्टर की शुरुआत हो जाती है। यानी कि मैं 100 में से 35% जो करैक्टर की शुरुआत, वो आपके अपने घर से होती है। और जब बच्चा टिनी एज से निकल करके आगे आता है, तो वो खुद भी अपने करैक्टर का जिम्मेदार होता है। कुछ टीचर बनाते हैं, 25-30% टीचर बनाते हैं, और खुद बाकी आदमी के हाथ में होता है कि वो करैक्टर को किस रूप में, अपने आप में किस सांचे में डालता है। तो करैक्टर होता है मेरे दोस्त चरित्र। मैंने जैसे बोला कि बंदे का, जिस बंदे का कोई चरित्र ही करैक्टर ही नहीं है, करैक्टर नहीं है, तो वो आगे जाके तरक्की क्या पाएगा, कर पाएगा, खाक पाएगा? इसलिए अभी हम बात करेंगे सिर्फ करैक्टर के ऊपर ही। तो करैक्टर होता क्या है? तो दोस्तों, करैक्टर मैंने अभी बताया, पीछे आपको आंसर भी दिया है कि करैक्टर की शुरुआत स्कूल, टीचर और उसके पेरेंट्स के, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है सबका। उसी से करैक्टर की शुरुआत होती है, और बाकी का करैक्टर आदमी के हाथ में कैसे होता है। हम लोग बोलते हैं यार हमारी किस्मत में लिखा था वही हुआ। दोस्तों, मानता हूँ कि किस्मत भी होती है, लेकिन दोस्तों 25% से ज़्यादा 75% जो है आप खुद किस्मत को बनाते हो, जैसे करैक्टर को। उसी किस्मत के आधार पर आपका करैक्टर भी बनता है। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपका करैक्टर अच्छा होगा, अगर बुरे करोगे तो आपका बैड करैक्टर होगा। इसी को करैक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले अपने करैक्टर को सुधारिए, अपने करैक्टर को निखारिए। और विशेष सूचना, 15 अगस्त आ रही है, यदि आपको किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर कोई शक होता है या डाउट होता है, तो प्लीज़ फौरन पुलिस को बताइए उसके बारे में, और धारा 144 का पालन कीजिए। खुद भी सुरक्षित रहिए, समाज को भी सुरक्षित रखिए, और अमन शांति बनाए रखें। और एक विशेष सूचना और है, वो ये कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो प्लीज़ चाइनीज़ डोर का इस्तेमाल मत करिए, वो किस कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है, वो अपने साथ भी हो सकती है
दूसरों को भी परेशानी हो सकती है। तो इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय भीम, जय भारत, जय हिंद।